हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो इस अंतराल में हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में प्रगति बैठक की 38वीं अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, प्रगति बैठक की 38वीं अध्यक्षता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, प्रगति बैठक की यह 38वीं बैठक थी। दोस्तों, आपको बता दें 8 मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा की गई है इस बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन हाल ही में हरियाणा में किया गया है। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में हाल ही में महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार कहाँ लगता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार मंदसौर में लगता है। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मंदसौर। दोस्तों, आपको बता दें गमछे में उंगलियां छुपाकर इसमें सौदा किया जाता है और ये अनोखा जो व्यापार पशु बाजार है वह मंदसौर में लगता है। बताइए मंदसौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मंदसौर के बारे में बता दें। सबसे पहले आपको बता दें मंदसौर को प्राचीन नाम दसपुर था। मध्य प्रदेश की अफीम नगरी, भारत में औद्योगिक उत्पादन अफीम का सबसे ज़्यादा मंदसौर में होता है। रावण का ससुराल होने के कारण मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। रावण में जो उनकी पत्नी थी मंदोदरी, उनका जन्म स्थान मंदसौर ही माना जाता है। मंदसौर में हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना है जो चंबल नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट हुए मंदसौर के बारे में। आपको इसके बारे में इतना याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC का नया MD किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, LIC का नया MD BC पटनायक को बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, BC पटनायक। दोस्तों, बताइए LIC की, तो चलिए आपको LIC के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और इसके फुल फॉर्म के बारे में बता दें। दोस्तों, LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन आर माथुर हैं। और दोस्तों, हाल ही में जो MD बनाए गए हैं वह है पटनायक हैं। आपको बता दें इसकी जो पेरेंट कंपनी है या पेरेंट कौन है, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कोनोर को चुना गया है। तो बी ऑप्शन, क्लेयर कोनोर इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपको बता दें यह मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब नाम आपको याद रखने से MCC के नाम से जाना जाता है। इसका जो फाउंडेड है या फाउंडेशन है स्टोन 1787 में रखा गया था। आपको बता दें इसका होम ग्राउंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है और यहीं पर क्रिकेट के जितने भी नियम हैं यही मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक 127 रन बनाने की दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 127 टेस्ट रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है स्मृति मंदाना ने। और आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली यह पहली भारतीय महिला है टेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का हाल ही में दूसरा चरण शुरू हुआ है या दूसरा संस्करण इसका शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से शुरुआत की है। पिछले 7 साल में 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा उज्जैन। उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए बात आइए उज्जैन की, तो आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था या उज्जैनी भी था।
राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है, वह उज्जैन में ही स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी है। आपको बता दें, सिंहस्थ कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद किया जाता है। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में ही स्थित हैं। कायथा ताम्रपाषाण कालीन स्थल यही उज्जैन में ही स्थित है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति के संबंधित मंगलनाथ मंदिर भी उज्जैन में ही स्थित है। दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो इतने ही फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, आप नोट्स बनाइए, और आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा चौधरी किस कार्यक्रम के शुभंकर चुने गए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर या शुभंकर चुना गया है। जिसका सही ऑप्शन होगा बी, नमामि गंगे कार्यक्रम। संध्या मालवीय को मध्य प्रदेश के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में संध्या मालवीय को एमपी गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे हम मध्य प्रदेश गौरव के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दंती दाता बंदी छोड़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों, दाताबंदी छोड़ महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट एक बता दें कि ये जो दाताबंदी छोड़ महोत्सव है, वह ग्वालियर में जो सबसे बड़ा किला है, या किलो का रत्न कहा जाता है, या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है, ग्वालियर में है। और इसी में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है दाताबंदी गुरुद्वारा, और यहीं पर यह आयोजन किया जाता है। चलिए बात आइए ग्वालियर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ग्वालियर के बारे में बता दें। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है। तेली का मंदिर, संगीत की नगरी, तानसेन की नगरी, तानसेन का मकबरा, सास बहू का मंदिर, ये सभी और उपनाम ग्वालियर के ही हैं। मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय और महालेखाकार मुख्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा, प्रसिद्ध ये तीनों मकबरे या समाधियाँ ग्वालियर में ही हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही है। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 1957 में ग्वालियर में ही ओपन किया गया था। दोस्तों, ग्वालियर के किले को, जिसे हम किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहते हैं, इसका निर्माण राजा सूरत सेन ने कराया था। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए ग्वालियर में जो चीजें हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं, आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ग्वालियर की लोकेशन ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में चुना गया है। दोस्तों, 75 जिलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, वह शिव नाडार को दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिव नाडार। आपको बता दें, शिव नाडार SCL के फाउंडर हैं, लेकिन अब ये इसके चेयरमैन नहीं हैं, इनकी पुत्री इसकी चेयरमैन है। दोस्तों, जो मल्लिकार्जुन श्रीनिवासन है, ये TAFE के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर बात आई है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, तो दोस्तों ये इंडिया US बिजनेस के कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2021 का कौन सा संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों, डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। जिसका सही ऑप्शन हो जो है ऑप्शन फोर्थ, 130वां। दोस्तों, आपको बता दें, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है डूरंड कप, जिसका हाल ही में 130वां आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यह 40वां संस्करण था। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, वह आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करना, ये थीम रखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट का नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है क्योंकि यह रामगंगा जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 520.8 किलोमीटर² है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के हरदा जिले में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हाल ही में शुरू की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हरदा, ऑप्शन ए। चलिए बात आइए हरदा की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 4 बार इस हरदा जिले की यात्रा की थी। सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला हरदा ही है। नेमावर नर्मदा नदी पर हिंदू एवं जैन तीर्थ का पवित्र धार्मिक स्थल है। कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया जज हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया जज हाल ही में पुष्पेंद्र कौरव को चुना गया है। दोस्तों कंफ्यूज के लिए आपको क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिर्फ जज चुना गया है, ना कि चीफ जज। तो यहां पर इसका आंसर होगा पुष्पेंद्र कौरव को हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नया जज बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें, पुष्पेंद्र कौरव मध्य प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता थे। इनका जन्म 1976 में गढ़रवारा नरसिंहपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन किस देश में लगाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका में लगाई जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों इस टीका का नाम RTS,S-AS-01 होगा। दोस्तों भारत में हर साल 3 लाख लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं। अब लेकिन मलेरिया की वैक्सीन आ गई है जिसका पहला ट्रायल यह पहली बार दक्षिण अफ्रीका में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ 8 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वर्ष 89वां स्थापना दिवस हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मनाया है। दोस्तों इस बार इसकी थीम आत्मनिर्भर और सक्षम ये रखी गई है। आपको बता दें, VR चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसका मोटो नव स्पर्श दीप्तम है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इंडियन स्पेस का हाल ही में जो शुभारंभ किया गया है वह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जज हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों RV मलिमत इसका सही आंसर होगा। अब मैंने आपको जो पहले बताया था वह पुष्पेंद्र कौरव सिर्फ जज बनी थी, लेकिन यहाँ पर नया चीफ जज हाल ही में मलिमत जी को, RV मलिमत जी को बनाया गया है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद रफीक जो वर्तमान पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जज थे, अब वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में ये लोकेशन देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से हैं। विधानमंडल की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें पुरस्कारों की, तो कालिदास शिखर सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार, कमल कुमार गंधर्व पुरस्कार ये मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पन्ना पीच, सतपुड़ा वन विहार ये प्रमुख उद्यान है मध्य प्रदेश के। वहीं चचाई बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा ये प्रमुख जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। और बांधों की बात करें तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवासागर, गांधी सागर और बारना प्रमुख बांध हैं मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सीताराम रसोई सागर। हाल ही में सीताराम रसोई सागर को
रसोई को प्रदेश का प्रथम उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हाल ही में दिया गया है। दोस्तों इससे पहले खजराना गणेश मंदिर के लिए भी यह उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया था और महाकाल मंदिर के लिए भी यह उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों यह उत्कृष्टता पुरस्कार FSSAI के द्वारा दिया जाता है। देश में इसका 7वां स्थान है। ये जो सीताराम रसोई है इसका देश में 7वां स्थान है उत्कृष्टता के मामले में। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इस दिन की शुरुआत UNGA के द्वारा 2011 में की गई थी। 2021 में जो थीम रखी गई है वह डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन थीम रखी गई है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, वर्ल्ड वुमन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1995 बीजिंग में किया गया था और वहीं पर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत की गई थी। नेशंस लीग विजेता हाल ही में कौन सा देश बना है? तो दोस्तों नेशंस लीग का विजेता हाल ही में फ्रांस बना है। तो इसका ऑप्शन ए फ्रांस सही होगा। दोस्तों फ्रांस ने स्पेन को हराकर यह नेशंस लीग अपने नाम की है। दोस्तों सेकेंड टाइम फ्रांस यह लीग जीता है। आपको बता दें इसका पहला जो विजेता है था वह पुर्तगाल था 2019 में। ये नेशंस लीग का दूसरा संस्करण है और इसे फ्रांस ने जीता है। इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला युवा बनी है एमी हंटर। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एमी हंटर। दोस्तों ये आयरलैंड की रहने वाली है। मध्य प्रदेश में कहाँ मानव तस्करी से बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मानव तस्करी से बचे बच्चों के लिए हाल ही में भोपाल में एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। जिसका सही ऑप्शन होगा भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मानव तस्करी से जो बच्चे बच जाते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है भोपाल में। दोस्तों बात आई है भोपाल की, तो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें और आपको एक और फैक्ट बता दें कि 50 एकड़ में यह बनाया जा रहा है और बचपन बचाओ आंदोलन यह जो पहल शुरू की थी वह कैलाश सत्यार्थी जी ने की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बात आई है भोपाल की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मैप में भोपाल की है। ये भोपाल का मैप है। भोपाल को मध्य प्रदेश को और झीलों पहाड़ों पर बसा शहर कहा जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान बनबिहार नेशनल पार्क भोपाल में ही है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक बनाया गया है भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया भोपाल में। चार्ल्स कोरिया द्वारा भारत भवन बनाया गया है चार्ल्स कोरिया के द्वारा भारत भवन भोपाल में बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल यहीं पर बनी है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 में भोपाल में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए भोपाल के बारे में। 175 मीटर लंबा कॉरिडोर हाल ही में किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों 175 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सही होगा। दोस्तों आपको बता दें शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क से कूनो अभ्यारण्य तक जो शिवपुर में है, शिवपुरी से शिवपुर के बीच में ये 175 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि जो वन्य जीव है वो उनका मूवमेंट मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर दोनों तरफ रहे। दोस्तों ये जो स्पेशल कॉरिडोर है वह सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNHRC 2022 से 2024 के लिए कौन सा देश है इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है? दोस्तों ये है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत UNHRC में 2022 से 2024 में इसके सदस्य देशों में से रहेगा। अब ये UNHRC होता क्या है चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। इसका फॉर्मेशन 2006 में किया गया था। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वह नजहत शमीम हैं जो फिजी के रहने वाले हैं। तो इतना आपको UNHRC के बारे में याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान है। तो इसका ऑप्शन डी 101वां सही होगा। दोस्तों आउट ऑफ 1
116 कंट्री में से भारत का जो रैंक है वह 101वीं है। 2020 में रैंक 94वीं थी। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बता दें, जो यह जो रिपोर्ट है या भारत की जो रैंक है वह भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दी गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि खारिज भी की गई है, लेकिन अगर आपसे रैंक पूछ लें तो ये है 101वीं। मध्य प्रदेश के 19वें महाधिवक्ता हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 19वां महाधिवक्ता हाल ही में बनाया गया है प्रशांत सह को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रशांत सह। दोस्तों आपको बता दें पुष्पेंद्र कौरव की जगह है ये 19वें महाधिवक्ता बने हैं। इससे पहले 18वें महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव थे जो मध्य प्रदेश में अब जज हैं। इंदौर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक दलाल को बनाया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया का नया कोच किसे बनाया गया है? तो दोस्तों राहुल द्रविड़ को हाल ही में टीम इंडिया का नया कोच चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें रवि शास्त्री की जगह जो भारतीय टीम क्रिकेट टीम है उसका नया कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। दोस्तों वर्तमान में ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जैसे ही ये भारतीय टीम के कोच का पद ग्रहण करते हैं उन्हें नेशनल क्रिकेट टीम अकेडमी अध्यक्ष से अपना इस्तीफा देना होगा। दोस्तों बात आई है आईपीएल 2021 की, जो आईपीएल हुआ है उसके बारे में हम बता दें तो यह विनर रही थी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और विजेता रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। पहला मैच आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। सबसे ज़्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने 635 बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट हर्षल पटेल ने 32 लिए हैं। मैन ऑफ द मैच फाइनल में फाफ ड्यू प्लेसिस को बनाया गया है जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए आईपीएल 2021 के बारे में। दोस्तों इससे आगे आपसे आईपीएल से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों एक और आपको बात बता दें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल अवार्ड 2021 का हाल ही में जो है आयोजन किया गया था और यहाँ पर विनर अनाउंस किए गए हैं, जिनमें जितने भी जो विनर रहे हैं वह भारत के ही रहे हैं। तो आपको बता दें वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर को चुना गया है और वुमन में ही गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता को चुना गया है। वुमन में ही राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर शर्मिला देवी को चुना गया है और वुमन में ही कोच ऑफ द ईयर सजोड मरी जिन्हें को चुना गया है। वहीं अगर बात करें मेंस में तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है, राइजिंग स्टार हाल ही में विवेक सागर को चुना गया है और कोचिंग ऑफ द ईयर ग्राहम रेड को चुना गया है। तो ये तो थे वुमन और मैन की। अब बात बताएं आपको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 1924 में किया गया था। फाउंड पेरिस में इसका जो फाउंडेड यानी पेरिस में से बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर वर्तमान है वह लुसान स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं इस वीडियो में लेकर आता हूँ, हर महीने के दो वीडियो में लेकर आता हूँ। आपके मध्य प्रदेश या कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है या जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं एक महीने के उसको मैं लास्ट में डिटेल में बता देता हूँ। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे।